मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सर्व कैसे करूंगा। सर्विंग के लिए मैंने एक डिश में निकाल दिया है और इसके ऊपर मैं चिकन पॉपकॉर्न रखूंगा। ये मेरे चिकन पॉपकॉर्न एक दो गिर भी गए नीचे। फिलहाल जल्दी में आपको दिखाने में ये चिकन पॉपकॉर्न रखूंगा और ये सर्विंग के लिए हमारी डिश तैयार हो गई। तो आपको बात समझ में आ गई होगी चिकन पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं। इसके मैं पूरी एक वीडियो बना के आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। चिकन पॉपकॉर्न ब्रेडेड जो अपनी डबल रोटी होती है उसके चूरा और उसमें भी कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करके बनाते हैं। तो ये हमारे सर्विंग के लिए ये डिश तैयार है। आप देख सकते हैं जबरदस्त है आज का खाना हमारा तैयार। मैं एक दफा इसको और दोहरा दूं। मैंने प्रेशर कुकर में चावल एक सीटी देने के बाद उनको निथार दिया और चावल आप देख सकते हैं एक एक दाना खुला पक गया। जब पक गया मैंने सब्जी अलग कुकर के अंदर एक सीटी दी और वो बना दी। सब्जी का दिखाने में मैं दिखा देता हूँ आपको। उसमें टमाटर डाले थे और ये इस कुकर में मैंने सब्जी बनाई। टमाटर डाले थे, प्याज लाल करके डाली थी, थोड़ा सा इसमें लाल मिर्चें कुटी भी डाली, एक चुटकी एक छोटा चम्मच जो है चाय का वो मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला और बाकी साबुत मसाला इसके अंदर पड़ गया तमाम। उसके बाद हमने सब्जी को और चावलों को मिला दिया और मिलाने के बाद ये हमारा पुलाव तैयार हो गया। ये देखिए ये फूलगोभी है, टमाटर है, गाजर है, जो आपको दिल करे सब्जी उसको फिर। लेकिन एक सीटी उठते ही यानी गर्म होते ही आपको खोल देना है वरना ये सब्जी आपकी ज्यादा गल जाएगी। तो चावल भी हमारे आपको दिखाए मैंने बिल्कुल सही गले। ये देखिए एक एक दाना खुला है और सब्जी भी सब गल गई और उसको मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैंने डिश में निकाला और डिश में निकालने के बाद उसको ऊपर चिकन पॉपकॉर्न रखे और ये हमारा डिश तैयार हो गई। आप इंशाल्लाह आप समझ में आएगा मैं चिकन पॉपकॉर्न की कुल वीडियो किस तरह बनाते हैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम आपको चिकन पॉपकॉर्न बना के बताऊंगा। ये मेरी डिश खाने की तैयार हो गई, इसमें सलाद रखूंगा और सर्व करूंगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद हमेशा याद रखें ये जब चावल आप करें तो चावल सिर्फ सीटी बचते ही आपने उठा दें नहीं सीटी के और फौरी तौर पर पानी के नीचे ले जाएं। और अगर पानी से वो निथारने वाले बना रहे हैं, हमने बिरयानी में और जो पिछले जो खाना बनाया था उसमें निथारने वाले नहीं थे, उसमें हमने जितने चावल लिए थे उससे डबल पानी डाला था और उसी में पकाए। इसमें मैंने सब्जी अलग से पकाई और चावल अलग से बनाए और दोनों को मिक्स कर दिया और उसके ऊपर चिकन पॉपकॉर्न रखेंगे तो इस तरह हमारी डिश तैयार हो जाएगी। जबरदस्त खाने में, देखने में भी खूबसूरत और बच्चे और घर वाले और मेहमान खुश। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। आप मुझे दुआ में याद रखेंगे और आप जरूर बनाएंगे। मैं इंशाल्लाह चिकन पॉपकॉर्न की तरकीब आपको लिख दूंगा।